ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं। भाई यदि आप भी भोपाल आ रहे हो तो ये मेरे पीछे अशोक टी स्टॉल है, यहाँ की भाई चाय बहुत टेस्टी होती है, एक बार ट्राई जरूर। गरम जलेबी खा लो भाई, मज़ा आ जाता है। मैं तो अभी पोहा खा रहा हूँ। वैसे अंकल जलेबी बना रहा है, पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। भाई अब चलते हैं, टिकट लेते हैं। हाँ तो गाइस कैसे हो आप सब? भाई आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विजिट इंडिया विद शुभम में। तो आज का क्या सीन है, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ इंदौर से भोपाल के लिए, बट मैं इंदौर से ट्रेवल करके भोपाल आ चुका हूँ। इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं और भोपाल में ठंड की बात करें तो भाई काफ़ी ठंड है, 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पर। अब आगे का सीन ये है कि यहाँ से मैं ट्रेवल करूँगा दिल्ली के लिए, भोपाल टू दिल्ली। तो मेरी जो ट्रेन है वो 2:30 के आसपास आएगी, 2:30 AM। तो जब तक ये वेट करते हैं ट्रेन का, भाई एक सीन और ये हो गया है कि मेरा जो प्लान था वो सडनली बना ट्रेवल करने का, तो मेरा रिजर्वेशन नहीं है। तो अब देखते हैं, ठंड का टाइम है और नाइट की जर्नी है, तो कैसे क्या मैनेज होता है, चलते हैं। भाई मैं सोच रहा हूँ जनरल का टिकट लेके मैं स्लीपर में ट्रेवल कर लूँगा, और टीटी यदि आता है तो जो भी होगा वो मैनेज कर लूँगा। तो यही सही ऑप्शन होगा क्योंकि मेरे पास रिजर्वेशन है नहीं और मुझे नींद भी कंप्लीट करना है अपनी। भाई जो सडनली जाने का प्लान बनता है उसका ही मज़ा कुछ और ही है, बिना प्लानिंग के कुछ अलग ही आनंद आता है। भाई अभी 12 बजे रात में भोपाल का क्या हाल है, कैसी ठंड में, आपको दिखाता हूँ, चलिए। भाई देखो लोग आग जला के ठंड को दूर कर रहे हैं। यार भोपाल का स्टेशन काफ़ी हाईटेक हो रहा है धीरे धीरे। मैं आज से 2 साल पहले आया था, तब डेवलप नहीं हुआ था, बट अब डेवलप हो रहा है, पूरा ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। भाई जब हम भोपाल में स्टडी करते थे तब ये मेरे पीछे टी स्टॉल है, यहाँ से हम रात में इतने टाइम लगभग चाय पीने आते थे। भाई बहुत ज़बरदस्त चाय होती है यहाँ की, और यहाँ रात में आने का कुछ मतलब अलग ही मज़ा आता था। चलो आज यहाँ की चाय टेस्ट करते हैं, काफ़ी टाइम बाद मौका मिल रहा है यहाँ की चाय टेस्ट करने का, भोपाल अब वैसे आना होता नहीं है। भाई ये रहा अशोक टी कॉर्नर। भाई यदि आप भी भोपाल आ रहे हो तो ये मेरे पीछे अशोक टी स्टॉल है, यहाँ की भाई चाय बहुत टेस्टी होती है, एक बार ट्राई जरूर करना, मज़ा आ जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर पड़ता है, मतलब ठंड में बढ़िया चाय पी रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, और ठंड भी बहुत मतलब क्या बोले भाई, सही है। भाई एक सीन ये भी है, मेरे मोबाइल का स्टोरेज यार फुल हो गया है, तो ब्लॉग शूट होने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं देखते हैं इतनी रात में यदि कोई शॉप खुली मिल जाती है तो कुछ पेन ड्राइव वगैरह लेते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, हो सकता है कोई मिल जाए, देखते हैं। चलो भाई यहाँ 32 GB की पेन ड्राइव 400 रुपये की दे रहे हैं, बताओ, मतलब 64 और 128 ही मिल रही है 400 रुपये में। तो क्या नाइट का टाइम है और रेलवे स्टेशन के बाहर, यदि इतने रात में शॉप खुली है तो यार रेट तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट एक दो जगह और ट्राई करता हूँ, यदि मिल जाती है तो सही है। भाई अभी कंडीशन ये है, मरता क्या नहीं करता, लेना तो पड़ेगा, एक दो जगह ट्राई और करेंगे, मिल जाएगी तो भाई सही है। तो भाई मेरा सडनली क्या है, ट्रेवल करने का प्लान बना, तो मैं दिन में भी कुछ खा नहीं पाया, रात में भी कुछ नहीं खा पाया, तो अभी मैंने बढ़िया सा गर्मा गर्म पोहा पिक कराया है, इसको बढ़िया सूटेंगे ट्रेन में चल के। अभी चलते हैं, टिकट्स भी लेना है। भाई रात में भोपाल रेलवे स्टेशन के बाद गर्मा गर्म जलेबी, ठंड के टाइम रात में गर्म गर्म जलेबी खा लो भाई, मज़ा आ जाता है। मैं तो अभी पोहा खा रहा हूँ, वैसे
अंकल जलेबी बना रहे गर्मा गर्म। भाई देखो भोपाल में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे हैं, बट मुझे ठंड नहीं लग रही है। मुझे ठंड इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि मैंने एक भारी भरकम बैग आगे टांग के रखा और एक पीछे, तो इसी के प्रेशर से मेरी बॉडी गर्म है तो मुझे ठंड फील ही नहीं हो रही है। भाई अब चलते हैं, टिकट लेते हैं। भाई ये भोपाल का रेलवे स्टेशन देखो, यहाँ सारे पैसेंजर्स इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, सब ठंडी के टाइम बढ़िया सो रहे हैं। देखो भाई सारी जेसीबी उत्तर प्रदेश जा रही है। भाई मैंने भोपाल से दिल्ली के लिए टिकट ले ली है, अराउंड ये 2:30 की आई है, जनरल की टिकट है। मैं इस जनरल की टिकट से स्लीपर में ही ट्रेवल करूँगा बिकॉज रात का टाइम है और मुझे सोना है। भाई बहुत थक गया हूँ मैं, तो सुबह जो भी मेरे साथ सीन होगा वो आपको बताऊँगा कैसा क्या मैनेज होता है, कितने का काय की बिल्कुल अपना कटता है चालान, देखते हैं हो सकता है नहीं भी कुछ हो। बैटन वॉच, और मेरी अभी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से है। मैं तो भाई बढ़िया जाके सोऊंगा फर्स्ट क्लास, क्योंकि रात में तो कोई सीन नहीं होगा, जो सीन होगा वो मॉर्निंग में ही होगा, तो रात भर तो चेंजेस हो सकते हैं एटलीस्ट, बाकी फिर देखेंगे। भाई देखो इसमें कितनी सारी जेसीबी जा रही हैं, मतलब एक बोगी में 3 जेसीबी रखी हैं, तो जो मालगाड़ी में होती है कम से कम मान के चलो 30 बोगी होती है, तो मतलब 90 से 100 के आसपास जेसीबी मशीन्स हैं जो इस मालगाड़ी पर रखी हुई हैं। भाई देखो इसका टैंक खाली हो रहा है, तो इसका सारा पानी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। भाई इसका नोजल को नीचे साइड भी कर सकते थे, इंडियन रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए। भाई काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ बट ट्रेन अभी तक आई नहीं है, 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाएगी, और जैसे जैसे मॉर्निंग होती जा रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ती ही जा रही है यहाँ पे, तो आई होप जल्दी से ट्रेन आ जाए। भाई फाइनली ट्रेन आ गई है, काफ़ी इंतज़ार के बाद राहत मिलेगी, काफ़ी ठंड लग रही थी क्योंकि ट्रेन देखो कितनी गंदी हो रखी है, तारीफ होगी इसकी। देखो भाई तो चलो भाई चलते हैं, मैं मिलता हूँ आपको मॉर्निंग में सुबह दिल्ली पहुँच के। भाई फाइनली मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ, तो मैं नाइट में भोपाल से 3 बजे बैठा था और यहाँ अभी 3 बजे उतरा हूँ, मतलब पूरे 12 आवर की जर्नी हुई है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है तो मैं आपके लिए एक सजेशन देता हूँ। तो भाई आपके लिए सजेशन ये था कि आप जब भी लॉन्ग ट्रेवल करें तो अपने साथ पावर बैंक ज़रूर रखें। वो भाई जो हम वेयर इज़ माई ट्रेन पे जो हम ट्रेन देखते हैं, तो उसका भी मेरे साथ एक सीन हो गया था, जो ट्रेन आने वाली थी वो उसमें पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 दिखा रहा था, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखा रहा था, बट जब रेलवे के इलेक्ट्रिक बोर्ड पैनल पर देखा तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखा रहा था, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आई, ना तो 3 पे आई और ना ही 1 पे आई। तो
भाई आप भी इस चीज का ध्यान रखें, आपके साथ ऐसा सीन ना हो जाए। और जो मैं जनरल की टिकट से स्लीपर में आया था तो भाई मुझे तो कोई टीसी नहीं मिला, बढ़िया से जनरल की टिकट ली, स्लीपर में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर एक के बाहर से, भाई ये प्लेटफॉर्म नंबर एक के बाहर से एग्जिट है, एग्जिट वन। मेरे को यहाँ से पहुँचना है शादी वाली लोकेशन पर, तो अब देखता हूँ मैं यहाँ कोई ऑटो या रेपिडो से। भाई काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद एक भैया 350 रुपये में लोकेशन पे पहुँचाने के लिए माने हैं, बाकी यहाँ अदर ऑप्शन भी है, सिटी बस वगैरह चलती है, बट उसके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी पहुँचना है, तो देखते हैं भैया कहाँ तक पहुँचाते हैं।